हर एक सफर का जैसे शुरुआत होता है ऐसे ही एक अंत भी होता है। तो चाहे वो हमारा ट्रैवलिंग हो या जिंदगी की सफर, बस मायने तो ये रखता है कि उस सफर से हमें क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। आज हमारी मिजोरम में आखिरी दिन है। हम आज सालुई बी से चले जाएंगे आइजोल। जिस शेयर कैब से हम यहाँ आए थे उन्हीं को फोन करके सीट बुक कर लिया था। सालुई बी रिसोर्ट से मैनेजर जी की हस्बैंड हमें अपने गाड़ी में बिल्खाथौर में ड्रॉप करके गया और बिल्खाथौर से ये शेयर कैब। रास्ता थोड़ा क्लाउडी था, मौसम सुबह से ही कुछ बदमिजाज, जैसे वो भी हमारी तरह दुखी है क्योंकि अभी समय आ गया है अलविदा कहने का। दोपहर तक हम आइजोल पहुंच गए, सेम होमस्टे जहां पे हम पहले दिन रुके थे। नहा के फ्रेश होके जब लंच के लिए बैठे तब लग रहा था 10 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे इसी टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे, इस जगह के बारे में, इस जगह के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और आज शायद सब कुछ नहीं जान पाए, लेकिन कितना कुछ एक्सपीरियंस गेन करके हम लौटने वाले हैं यहाँ से। आफ्टरनून को हम निकले थे आइजोल सिटी की कुछ जगह घूमने के लिए, लेकिन मौसम इतना खराब हो गया और इतनी बारिश का शुरुआत हो गया कि हम बस कैब में ही बैठ के भीगता हुआ आइजोल सिटी का सफर करके लौट गए। रात में भी कभी बारिश हो रहा था, कभी क्लाउड्स चमकता हुआ शहर को इनविजिबल बना रहा था। अगले दिन सुबह हम निकल गए आइजोल सिटी मार्केट थोड़ा घूमने के लिए, यूं ही पैदल। बारिश थोड़ा बहुत तो हो रहा था लेकिन परवाह नहीं, इस भीगी सी शहर को देखने के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी है हमारे पास। थोड़ा बहुत शॉपिंग करके हम लौट गए होमस्टे, क्योंकि दोपहर को हमारा फ्लाइट है लिंगपू एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए। बस कुछ ही दिन पहले इसी जगह से लगेज उठा के हमारा जाने का स्टार्ट हुआ था और आज यहाँ ही खत्म होने वाला है। हमारा एक और ट्रिप खत्म होने वाला है और वी आर गोइंग बैक टू कोलकाता फ्रॉम आइजोल। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एयरपोर्ट की तरह ये एयरपोर्ट भी बहुत ही सिंपल एंड छोटा सा एक एयरपोर्ट है। बहुत सारे पार्ट तो यहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बहुत अच्छा बीता मिजोरम का ट्रिप, अच्छे लोग, अच्छे कल्चर एंड वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ऑल द मिजो पीपल्स, जिनके साथ भी हम रुके थे, जिनके साथ भी हम मिले हैं इस ट्रिप में। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू ट्रैवल। मुझे पता नहीं क्यों बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे अभी तक आते हैं, तो पीपल शुड कम हियर, विजिट मिजोरम एंड आपको बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, अनोखा था। सबसे सुंदर जो लगा यहाँ पे, जो यूनिक है मुझे लगा सिंगल वर्ड में, पेड़। बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्टेड लैंड्स है यहाँ पे और दैट इज़ ऑसम। इंडिया में और किसी भी जगह में शायद आपको ये देखने को, शायद क्या नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इट इज़ द फास्ट, आई मीन नंबर वन स्टेट इन इंडिया विच हैज़ बीन कवर्ड बाई 91% फॉरेस्टेड एरिया। बहुत अच्छा लगा मिजोरम, यू शुड विजिट दिस प्लेस।
फ्लाइट में बैठ के इस जगह को अलविदा किया। फिर कभी आएंगे आपसे मिलने के लिए और भी बहुत कुछ जानने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाय। मेरे सभी मिजो फ्रेंड्स को मेरा धन्यवाद फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी। और इस मिजोरम सीरीज़ में मैंने देखा बहुत सारे मिजो फ्रेंड्स ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, एंड थैंक्स फॉर योर लवली फीडबैक। और मैं आशा करूँगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस को भी आप लोग देखोगे, पसंद करोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मेरे देश की हर एक जगह ऐसे एक्सप्लोर करना, और आप लोगों का प्यार ही मेरी इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। सो कीप वॉचिंग ट्रिपोहॉलिक एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।